हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो तेज पर स्वागत है। हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम मेष लग्न में चंद्रमा के अष्टम भाव में होने पर क्या फल होंगे उस पर चर्चा करेंगे। जन्म पत्रिका के अष्टम भाव से आयु, मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसे होगी, जननेन्द्रियाएँ, बाधाएँ, दुर्घटना, पैतृक संपत्ति, वसीयत, पेंशन, गुप्त धन, यूरिन ट्रैक, गुप्त विद्याएँ, लंबी बीमारियाँ, किडनी, आकस्मिक धन लाभ आदि का विचार करते हैं। मेष लग्न के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में विशाखा, अनुराधा तथा ज्येष्ठा नक्षत्र आते हैं। इनके स्वामी क्रमशः गुरु, शनि और बुध हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। वृश्चिक राशि अग्नि तत्व की राशि होने के कारण चंद्रमा का फल काफ़ी खराब हो जाता है। व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। माता को क्रोनिकल डिसीज हो सकती हैं। चंद्रमा सुख भाव के स्वामी होकर अष्टम में जाने पर व्यक्ति के मन में अशांति रहती है। जातक को जल से बह रहता है। चंद्रमा यदि अष्टम भाव में शुभ स्थिति में हो तो उसकी सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जिससे व्यक्ति को कुटुंब का सुख व धन का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। लेकिन धन भाव के स्वामी शुक्र की प्लेसमेंट अच्छे भाव में नहीं हो तो सुखों में कमी रह सकती है। चंद्रमा अष्टम में होने पर व्यक्ति किसी भी विद्या में गहरा अध्ययन, दूसरे शब्दों में कहे तो डीपली रिसर्च करता है। जातक की चटपटे व मसालेदार भोजन में रुचि होगी। जमीन जायदाद के मामलों में जातक को समस्याएं देखने को मिलेंगी। चंद्रमा के साथ है मंगल भी अष्टम भाव में हो तो चंद्रमा का निश्चित भंग हो जाएगा। चंद्र मंगल की युति होने से जातक की सीक्रेट रिलेशनशिप रहेंगी और महालक्ष्मी योग बनेगा। चंद्रमा के साथ सूर्य यदि अष्टम भाव में हो तो जातक की माता को कष्ट होगा। जातक को वाहन दुर्घटना का भय बना रहेगा। चंद्रमा के साथ राहु गुप्त बीमारियां देगा। जातक की माता की मृत्यु गंभीर बीमारी से होगी। चंद्रमा के साथ यदि केतु हो तो जातक को शल्य चिकित्सा का भय रहेगा। जीवन में ऑपरेशन जरूर होगा। हृदय रोग का भय रहेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा होने पर उपाय के तौर पर श्राद्ध या बुजुर्गों के नाम पर दान करें। अस्पताल या शमशान में हेडपम्प या कुआं लगवाएं। चंद्र यंत्र धारण करना, शिव की आराधना करें, पूर्णिमा का व्रत करें। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।